115 से 120 करोड़ लोग मोदी और बीजेपी और आरएसएस के निशाने, केवल मणिपुर को बचाओ, इस देश को भी बचाओ, दो दो स्टेट के मुख्यमंत्री जब इसमें इन्वॉल्व हैं हिंसा कराने में, तो हिंसा रुकेगी कैसे? लेकिन असली निशाना अगर देखा जाए तो वो दलित ही, और देश तबाह हो रहा है, लगातार हो रहा। विपक्षी दल हैं, वो भी मिलना चाह रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री समय नहीं, जिहाद के नाम पे जिस तरह की गंदगी पूरी फैलाई जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, पूरे देश में आंदोलन करना पड़ेगा। जब ये मोदी नाम की गंदगी और भाजपा और आरएसएस नाम की गंदगी जो कोड़ है देश के लिए, तभी खत्म होगा। मुसलमान और ईसाई दोनों फ्रंट पे उनके टारगेट है। कोई कितना ही भी सगा उसका हो, उसके मरने पे मोदी को कोई फर्क नहीं। सिक्कों का नंबर बाद में आएगा, ध्यान रखना। बात ये सलाह दूंगा और चेतावनी भी दूंगा कि समय रहते न केवल मणिपुर को बचाओ, इस देश को भी बचाओ। ये देश तुम्हारी करतूतों से बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया है। सरकार को सोचना चाहिए, और सोचना नहीं काम करना चाहिए, ताकि मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल। सर, कई लोग ऐसे भी देख रहे हैं इसको कि 2024 के जो चुनाव है उसकी पटकथा लिखी जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल हो सकता है, अगर सरकार बोल नहीं रही है और जिस तरह से वो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ाती है, कत्लेआम करवाती है। आप उत्तराखंड का उदाहरण तो भूले नहीं होंगे, किस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों की दुकानों को, घरों को बाकायदा निशान लगाया गया, उन्हें निशाना बनाया गया और उन्हें वहां से भगाया गया। किसकी सरकार है उत्तराखंड में? बीजेपी की सरकार। मणिपुर में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनाए हुए लोग हैं, जो वहां पे उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री कौन, हारने के बावजूद भी अगर उसको बनाया है तो किसने बनाया? मोदी ने बनाया। मोदी जी तो अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रहे, उनके मंत्री और जो तमाम लोग हैं वो हाथ खड़े कर चुके। देखिए, मोदी की तरफ से चाहे कोई कितना ही भी सगा उसका हो, उसके मरने पे मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी की सत्ता और भविष्य में जो 2024 का चुनाव है उसमें वापस वो सत्ता में आ जाए, ये सब कुछ बरकरार रहना चाहिए। मोदी का केवल इतना ही मकसद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा देश तबाह हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और देश तबाह हो रहा है, लगातार हो रहा है, लगातार हिंसा हो रही है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं। सरकार क्यों नहीं बोल रही? अगर 80 लाख लोगों को आप जम्मू एंड कश्मीर में आप बंदी बना के पूरी तरफ से फौज के हवाले कर सकते हो, एक साल तक उन्हें बंदी बनाकर रख सकते हो, मणिपुर में तो 35 लाख लोग ही हैं, केवल इतनी सी आबादी, जरा सा है, दो ही तो वहां से एमपी आते हैं, 60 MLA, छोटा सा स्टेट है, क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? आप अगर कंट्रोल करना चाहे तो, सरकार कंट्रोल करना चाहे तो, लेकिन जब राम माधव जैसे जो आरएसएस से निकल के बीजेपी में आया, और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, दो दो स्टेट के मुख्यमंत्री जब इसमें इन्वॉल्व हैं हिंसा कराने में, तो हिंसा रुकेगी कैसे? जो कम्युनिटीज है वो नहीं समझ रही है सर, क्या कहना चाहेंगे उन कम्युनिटीज को? कौन समझाने वाला है? कोई समझा रहा है क्या? समझाने के लिए कोई प्रयास किया गया? कोई शांति समिति बनाई गई क्या? भाई दोनों तरफ के, ऐसा नहीं है दोनों तरफ के लोग, ठीक है आज आमने सामने घृणा नजर आ रही है, लेकिन इन्हीं सब में दोनों तरफ से आप देखेंगे तो ऐसे लोग हैं जो किसी कीमत पर हिंसा नहीं चाहते। मैं कई लोगों से भी मिला हूं, वहां से भी कई लोगों का डेलीगेशन आया, वो भी प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, 60-70 महिलाएं आई, स्पेशली महिलाएं आई, वो मिलना चाहती थी, समय नहीं दिया प्रधानमंत्री मिलने। और आप देख रहे हैं कि जो 10 विपक्षी दल हैं वो भी मिलना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री से समय लेने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक प्रधानमंत्री समय नहीं दिया। क्यों नहीं समय दिया? क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री को? ऐसा क्या काम करे प्रधानमंत्री? विदेश दौरे पे है प्रधानमंत्री, विदेश दौरे पे तो अब गए हैं 21 तारीख से, 21 से 24 वो आज खत्म हो जाएगा, कल यही होंगे प्रधानमंत्री। इससे पहले क्या था? इससे पहले समय नहीं था मन की बात करने के लिए? अगर प्रधानमंत्री के पास समय है तो और जो जरूरी काम है, मन की बात से ज्यादा जरूरी काम है ना, मणिपुर की हिंसा रोकना, वहां पर खून खराबा रोकना, लोगों में विश्वास जगाना, शांति व्यवस्था बहाल करना, प्रशासन को बहाल करना, किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्री जो अभी विपक्षी दलों की मीटिंग कर रही है, मतलब मणिपुर के इशू पर आज मीटिंग है, किन किन की है मुझे तो पता नहीं, विपक्षी दलों की मीटिंग, कौन से विपक्षी दल कौन से है, जो यहाँ के विपक्षी दल है या मणिपुर वाले विपक्षी दल है, तो उनसे मीटिंग करने से क्या होगा? विपक्षी दल तो पहले से कह रहे हैं हिंसा तुम करा रहे हो, तो उनसे मीटिंग करने के बजाय सरकार को जो कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाए सरकार,
वो जरूरी है और वो कदम सख्ती से, लेकिन जब सरकार ही हिंसा कराने पर तुली हो तो उसे रोकेगा। सर एंटी कन्वर्शन बिल के बारे में दो शब्द बताइए। देखिए ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है, संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान में व्यवस्था है कि इस देश में जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता है, वो अपने धर्म को जैसे चाहें मना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार जैसे चाहें वो कर सकते हैं। तो अभी जितने ये धार्मिक स्वतंत्रता, ये जितने भी जेल में हैं सब वो गैर कानूनी तरीके से हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे आज सब लोगों ने मिलकर एक प्रोटेस्ट किया है, इन प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा, प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे बड़े और सभी को शामिल होना पड़ेगा और उसमें सभी मुद्दे जो हैं इकट्ठे लेने पड़ेंगे। वो ये कन्वर्जन का जो बिल, जहां भी बीजेपी के जो गवर्नमेंट हैं स्टेट्स में वहां जो इला रहे हैं उनके खिलाफ भी लेना पड़ेगा, मणिपुर की समस्या लेनी पड़ेगी, उत्तराखंड की भी समस्या लेनी पड़ेगी। ये लव जिहाद के नाम पे जिस तरह की गंदगी पूरी फैलाई जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, घृणा फैलाई जा रही है, ये सब लेना पड़ेगा। बेरोजगारी का मुद्दा भी लेना पड़ेगा, सुरक्षा का मुद्दा भी लेना पड़ेगा, सारे जो किसानों के इश्यू हैं और जो अपने मजदूरों के इश्यू हैं इन सबको इकट्ठा करना पड़ेगा और सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, पूरे देश में आंदोलन करना पड़ेगा। मैंने जो यहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा था जब महिला पहलवानों का, मैंने उसमें ये बात कही थी कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, कहीं भी कोई भी संगठन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल है, पॉलिटिकल है, जो भी लोग, सबको आना पड़ेगा और सबको पूरे देश में आंदोलन करना पड़ेगा। जरूरी नहीं सारे आके दिल्ली में आंदोलन करें, अगर कोई यूपी में है, जहां भी है, जिस जिले में, वहां आंदोलन करो सारे मिलके। क्या आने की जरूरत है यहाँ सबको आने की, या सब वहां से आ भी नहीं पाएंगे तो जो यूपी में है वहां आंदोलन करे, जो मध्य प्रदेश में वहां करे, जो आपके जो वहां पे है मणिपुर में है वहां आंदोलन करे, जो असम में वहां आंदोलन करे, राजस्थान वाले वहां करें, उड़ीसा वाले वहां करें, केरल वाले वहां करें, कर्नाटक वाले वहां करें, अलग अलग स्टेट में, हिमाचल वाले वहां करें, पंजाब हरियाणा, अलग अलग स्टेट में सभी को करना पड़ेगा, पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। जब ये मोदी नाम की गंदगी और भाजपा और आरएसएस नाम की गंदगी जो कोड़ है देश के लिए तभी खत्म होगा, अन्यथा नहीं होगा। सर एंटी कन्वर्शन बिल के द्वारा सबसे ज्यादा सदाब जो मसीह लोगों को होता है, तो आप उस विषय में क्या? बहुत सिंपल सा है, केवल मसीह नहीं मुस्लिम को भी टारगेट किया जा रहा है और मुसलमान और ईसाई दोनों फ्रंट पे उनके टारगेट पर। आप देखेंगे कि जो वो अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो बनाया, उन्होंने जो 12 अगस्त 2022 में उसका वो छपा है इलाहाबाद वाले उसमें दैनिक भास्कर में, उन्होंने बहुत सिंपल कहा है कि ईसाइयों को और मुसलमानों को इनको वोटिंग राइट नहीं देंगे उनके अपने संविधान में जब हिंदू राष्ट्र होगा। रही दलित, दलित बिल्कुल जैसे मुस्लिम है जैसे ईसाई है, इनके साथ साथ ये तो कहने के लिए है लेकिन असली निशाना अगर देखा जाए तो वो दलित ही, क्योंकि आज हर जगह दलित उनको मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में। इसलिए दलित को भाई जो जिसकी परछाई तक से वो नफरत करते थे, आज वो कंधे से कंधा मिला के उनके सामने सीना तान के खड़ा है, हर स्तर पर उनको जवाब दे रहा है, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे आपके जो पॉलिटिकल क्षेत्र में हो। सत्ता उसने हासिल कर ली, सत्ता करके दिखाई है और किस तरह से सत्ता होती है ये भी करके दिखाई है, तो सब हैं। तो चाहे दलित हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। सिखों का नंबर बाद में आएगा, ध्यान रखना बात, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्शल कौम है इसलिए उसको बाद में, बाकी फ्रंट पे मुस्लिम और ईसाई, देन उसके बाद में दलित, देन ओबीसी और फिर बाकी सारे आए, सब उनके निशाने पे। आप सोचना नहीं, इस देश के 115 से 120 करोड़ लोग मोदी और बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर हैं कि इनको सारे अधिकारों से वंचित कर दें, नागरिक अधिकारों से वंचित कर दें, दो एम तीसरे दर्जे का नागरिक इनको बना दें। सब है, आप किसी एक की बात नहीं है।